नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव 2019 की। 2019 के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, ऐसे में राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है। सारी राजनीतिक पार्टियां इस असमंजस में लगी हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे ले, और एक आम मतदाता इस असमंजस में है कि वो वोट किसको दे। तो हम आपकी इस समस्या का समाधान लेके आए हैं एक सुजला वायरल एक अपने अनोखे कार्यक्रम में, जिसका नाम है लोकसभा संग्राम। इसमें अलग अलग सांसदों के कार्यकाल का ब्यौरा दिया जाएगा एवं निर्णय जनता जनार्दन पर छोड़ दिया जाएगा कि वो किसे वोट दे। तो चलिए शुरू करते हैं नागौर जिले से, जहाँ के सांसद है CR चौधरी। नागौर ज़िले में मुख्यतः 12 तहसील है, जिसमें नागौर, खीमसर, जायल, मेड़ता सिटी, टेगाना, डीडवाना, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, कुचामन सिटी और नावा शामिल है। नागौर में 11 ब्लॉक एवं 1607 गांव है, जिसमें 2011 की जनगणना अनुसार 33,09,234 लोग निवास करते हैं। नागौर संसदीय क्षेत्र का वर्तमान में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्रीमान CR चौधरी। CR चौधरी का पूरा नाम श्री छोटू राम चौधरी है। ये नागौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। जन्म 1 मार्च 1948, धांधलास नागौर राजस्थान में हुआ। पिता का नाम श्री आरएल चौधरी, माता का नाम गौरी देवी। मैरिटल स्टेटस मैरिड और चिल्ड्रन 2। इन शैक्षणिक योग्यताएं MA भूगोल में और सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, यूनाइटेड किंगडम से ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण ले चुके हैं। CR चौधरी 1 सितंबर 2014 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद हैं। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिला। इसके अलावा 12 जुलाई 2016 के बाद से ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मंत्री हैं। यूनाइटेड किंगडम के अलावा ये ऑस्ट्रिया, चाइना, फ्रांस, जर्मन, हांगकॉन्ग, आयरलैंड, मलेशिया, मैक्सिको एंड स्विट्जरलैंड में भी घूम चुके हैं। रिटायर्ड IAS ऑफिसर एवं वर्तमान सांसद CR चौधरी की संपत्ति का एक जायज़ा लेते हैं। इनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति 1.79 करोड़ रुपए हैं, जो एसेट्स के रूप में हैं, और लायबिलिटी 0। ये तो हुआ अपने सांसद का इतिहास। अब चलते हैं इनके 5 साल के कार्यकाल में लोकसभा में कैसा प्रदर्शन रहा। दोस्तों, मैं जो भी आंकड़े यूज कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए लिए गए हैं। तो लोकसभा में इनकी उपस्थिति 97%, जितनी चर्चाओं में इन्होंने भाग लिया उनकी संख्या 133, और इन्होंने 322 सवाल उठाए हैं, और इन्होंने खुद का कोई भी प्राइवेट बिल प्रस्तावित नहीं किया है। चलिए एक नज़र डालते हैं CR चौधरी के संसदीय क्षेत्र में किए गए कामों पर। सांसद का पहला काम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, मकराना पर्वतसर रेल लाइन जो पिछले 23 साल से बंद थी उसे 19 जनवरी 2016 को शुरू किया गया, और इसके अलावा पर्वतसर किशनगढ़ रेल लाइन के सर्वे और कंस्ट्रक्शन के लिए 968 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन क्रॉसिंग C61 एंड C64, इसके लिए 26 करोड़ और 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा नावा में ओवरब्रिज, फुलेरा से डेगाना के लिए रेल लाइन को डबल किया जाना, और नागौर रेलवे स्टेशन पे 138 बेंचेज का लगाना। ये तो हुई कनेक्टिविटी की बात। अब शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में देखते हैं। 85 लाख का
इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया 18 सितंबर 2015 को। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए नागौर, खेमसर, मकराना और डीडवाना में खेल के विकास के लिए आवंटित किए गए। इसके अलावा पहली बार एमपी फंड से शौचालय बनाए गए सरकारी विद्यालयों में। करीबन 40 सरकारी विद्यालयों में 76 लाख रुपए से 2014-15 में शौचालय बनाए गए। इसके अलावा बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी केंद्रीय विद्यालय की मांग को भी पूरा किया गया। इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में 42 नई बैंक की ब्रांचें पिछले 4 साल में खुली है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए 15 लाख रुपए एमपी लेड यानी कि सांसद के फंड से आवंटित हुए, जिसमें वीर तेजाजी पैनोरमा खरनाल, गुरु जसमेश्वर पैनोरमा पीपासर, अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा बनाए गए। इसके अलावा जगह जगह पर सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा के लिए 750 लाख रुपए पीएम लेड यानी प्रधानमंत्री फंड से आवंटित किए गए। इसके अलावा नागौर में 24 फरवरी 2018 को एक पासपोर्ट ऑफिस भी उद्घाटित हुआ, जिसमें 2 महीने के अंदर अंदर ही 1000 पासपोर्ट बन चुके थे और पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे ये प्रक्रिया बहुत ही तेज हुई है। तो दोस्तों, ये आपने देखा नागौर के सांसद सीआर चौधरी का पूरा कार्यकाल का ब्यौरा। अब निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है। सुजला वायरल लोकसभा संग्राम के अगले एपिसोड में नागौर से सांसद पद के लिए दूसरे उम्मीदवारों के ऊपर भी इसी प्रकार की कवरेज करेगा और लोकसभा चुनाव 2019 की पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें सुजला वायरल एवं घंटे का निशान दबाएं, साथ ही शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस मुद्दे पर बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।